निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? अधिनियम 2009। देखिए निशुल्क, कल मैं एक होटल पर खाना खाने गया तो जब खाना खा लिया तो जो टेबल साफ करने के लिए या जो जूठे बर्तन उठाने के लिए, वहाँ पर आदेश कितना बड़ा लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 10 या 11 साल की होगी, 12 साल का होगा, तो वो जो है उठाने आया, मुझे बड़ा संकोच लगा। मैंने उससे पूछा कि बेटा पढ़ने नहीं जाते हो, पढ़ते नहीं हो? कि बोला नहीं। हमने कहा पूरे दिन यही काम करते हो? बोला कि हाँ। मैंने कहा कभी पुलिस आई तुमको पकड़ के ले जाएगी, और साथ में जो होटल का मालिक है उसको भी पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते। देखिए गांव में करा लेते, खेतों में काम, अपने खेतों में या दूसरे खेतों में 200-300 रुपये भी दे दिए, लेकिन होटल पे खा जाके बर्तन धोना, किसी पंचर की दुकान पे काम करना, देखिए आपके घर का काम है, खेती हमारे घर की काम है, तो पिताजी के काम में सहयोग कर रहे हैं, वो तो एक हमारा अपना काम है, लेकिन हम नौकरी की तरह मजदूरी की तरह करते हैं, गलत है। सरकार ने हर बच्चा पढ़ ले, अब देखिए वो गरीब होगा, उसको हो सकता है कि पिताजी ना हो, उसके घर का खर्चा कैसे चले, मजदूरी कर रहा है। सरकार ने हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार दिया है, और इसीलिए फ्री है, ना ड्रेस का पैसा, ना कोई फीस, खाना भी मुफ्त। किस लिए? कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत से लोग अभी कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैं गरीब था। अब कोई नहीं कह सकता, सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारे संविधान में क्या है, संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन में मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जहां हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, और मेरी दैहिक स्वतंत्रता में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य पढ़ना ही है। 6 से 14 वर्ष का बच्चा है वो फ्री पढ़ाई है, उसको पढ़ना, वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं, मेरा मन नहीं पढ़ने का, अनिवार्य। सरकार का कहना है जहां मिले, जिस हालत में मिले, जिस स्थिति में मिले, उसको स्कूल लेकर जबरदस्ती पढ़ाना है, अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है, पढ़ाना है, पढ़ना है, बहाना नहीं बना सकते हो। अभी तो नहीं आए मन, आज खेलने लगे, खेतों में चले गए, अभी ऐसा भी कानून आएगा कि जबरदस्ती तुमको उस समय स्कूल के समय पकड़ के जबरदस्ती, और तुम्हारे पिताजी को जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तो ये है कि कुछ कहा नहीं जाता है कि चलो मान जाओ मान जाओ, अनिवार्य है, पढ़ाना ही पढ़ाना, पढ़ना ही पढ़ना। आप ये नहीं कह सकते हम पढ़ेंगे नहीं, हम दो पंचर जोड़ना सीखेंगे, कि हम ठेला लगाएंगे, कि हम बतासे बेचेंगे, कि हम होटल में काम करेंगे, नहीं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद भी अब सरकार निशुल्क, और फीस भी लगती है सरकारी कॉलेजों में तो नाम मात्र की। अब लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है, तो पढ़ाई नहीं होती इसके लिए जिम्मेदार केवल अध्यापक या प्रशासन ही नहीं, अभिभावक भी हैं। प्रतिदिन स्कूल जाना है, पढ़ना है, और चेक करना है क्या पढ़ाया जा रहा क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, ये तो आपका अधिकार है, क्योंकि पढ़ना ही पढ़ना है, आप घूम नहीं सकते, निःशुल्क शिक्षा है, तो आप उसका लाभ उठाएं, और सब लोग जागरूक बने, और आप खुद पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी शिक्षा से जोड़ें, और लोगों को जागरूक करें, शिक्षा का महत्व समझें। सब जगह अच्छी पढ़ाई होती है और होगी, लेकिन स्कूल हमें जाना है।